नमस्कार, माय सेल्फ डॉक्टर नेहा गुप्ता, आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट एट एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी। हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ और कैंसर पेशेंट्स। तो डायबिटीज़ इन जनरल इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़, एंड जो इसकी इन जनरल पॉपुलेशन में द मोर्टैलिटी ऑफ पेशेंट्स हु आर हैविंग डायबिटीज़ इज़ ट्वाइस मोर देन डैट जो कि नॉर्मल पेशेंट्स, नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन है। और रिस्क ऑफ कैंसर और डायबिटीज़ का क्या एसोसिएशन है? तो बेसिकली डायबिटीज़ और कैंसर जो दोनों के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो लगभग सेम हैं। जैसे कि डायबिटीज़ का जो रिस्क फैक्टर है वो है ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स, देन मोर कंजप्शन ऑफ फैटी फूड्स, और ऑलमोस्ट यही सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कैंसर के भी रिस्क फैक्टर्स हैं। जैसे कि सेम लाइक लाइफस्टाइल, अनहेल्दी हैबिट्स ऑफ ईटिंग अनहेल्दी फूड्स, देन ओबेसिटी, स्मोकिंग, एल्कोहल कंजप्शन, तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो दोनों के ऑलमोस्ट कॉमन हैं। तो प्लस अगर डायबिटीज़ ऑलमोस्ट इन 1/3 ऑफ पेशेंट्स जो कैंसर के होते हैं उसमें डायबिटीज़ होती है, बट दे आर नॉट डायग्नोज्ड। इट इज़ ओनली जब वो उनका कैंसर डायग्नोज होता है तो ड्यूरिंग दैट स्ट्रेस पीरियड, और उस स्ट्रेस पीरियड में फिर जब सारे टेस्ट होते हैं उसमें अगर ग्लूकोज का भी टेस्ट कराते हैं उसमें डायबिटीज़ डायग्नोज होके आती है, तो तब पता चलता है कि हाँ पेशेंट को डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ अगर कैंसर पेशेंट्स में है तो कैसे वो इफ़ेक्ट करती है ट्रीटमेंट को? कई सारे ट्रीटमेंट्स की जो कैंसर की ट्रीटमेंट्स हैं जो कि कीमोथेरेपी है, साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी है, वो सारी कैंसर को तो अफेक्ट करती हैं वो वाली दवाइयाँ, साथ में वो जो नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं, नॉर्मल ऑर्गन्स होते हैं उन पे भी अफेक्ट करती हैं। जैसे कि हार्ट पे अफेक्ट करती है, किडनीज़ पे अफेक्ट करते हैं, लीवर पे अफेक्ट करते हैं, तो या लंग पे अफेक्ट करते हैं। तो अगर क्या कहते हैं डायबिटीज़ है पेशेंट को और लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, कई सालों से उनको डायबिटीज़ है, तो उनके ये वाले ऑर्गन्स पहले से कॉम्प्रोमाइज़ रहते हैं। जैसे रीनल कॉम्प्रोमाइज़ रहता है, किडनीज़ उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हैं, लिवर उनका कॉम्प्रोमाइज़ है। तो अब ऑलरेडी लिवर और किडनीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हैं, और फिर अगर हम साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी अगर दे रहे हैं तो ये और एडिशनल इस पर साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करती हैं किडनीज़ पे और लिवर पे। तो फिर उसको हमको बैलेंस करना पड़ता है पेशेंट्स को। अब ट्रीटमेंट है, मान लीजिए हेड एंड नेक कैंसर का पेशेंट है और उसका मुंह का या जबड़े का या जबान का या कहीं गले का कैंसर है, अब उसको कीमोथेरेपी देनी है, उसमें एक ड्रग दी जाती है जिसको सिसप्लैटिन कहते हैं, वो एक वंडर ड्रग है और वो काफ़ी अच्छी ड्रग होती है इन कैंसर्स के लिए। लेकिन अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है और उसकी ऑलरेडी किडनी टॉक्सिसिटी हो रखी है तो हम ये सिसप्लैटिन उसको नहीं दे सकते हैं। हम लोग टेस्ट कराते हैं, एक टेस्ट होता है जिसको GFR कहते हैं, वो चेक करता है कि किडनीज पेशेंट की अच्छे से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर वो नहीं काम कर रही होती है तो फिर ये सिसप्लैटिन ड्रग नहीं दी जाती है, क्योंकि फिर वो इम्पेंडिंग अगर ऑलरेडी रीनल टॉक्सिसिटी है तो उसको और बढ़ा देता है। तो अब हम अगर सिसप्लैटिन नहीं दे रहे हैं, इन पेशेंट्स को ज़रूरत है बट उसको बिकॉज डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ के कारण उसकी किडनीज ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो इसीलिए हम ये सिसप्लैटिन बिकॉज ये नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है वो नहीं दे पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि उसका जो सर्वाइवल रेट है, जो असर होना चाहिए रेडिएशन और कीमोथेरेपी साथ मिला के जो हम दे रहे हैं, उतना नहीं आ रहा है। अगर 80% अफेक्ट आता है तो उसका 50% ही हो रहा है, यानी 40% अफेक्ट हो रहा है, तो उसको रिस्पॉन्स उतना बढ़िया नहीं होता, और इसमें भविष्य में बीमारी के वापस आने की चांसेस भी बढ़े रहते हैं, या अगर वो ठीक हो भी जाता है तो फिर से कहीं कैंसर आ जाता है। तो इसीलिए एक तो ये पॉइंट हो गया कि हम लोग कि अगर डायबिटीज़ है और ये सब कई सारी कीमोथेरेपीज़ नहीं दे पाते हैं, ट्रीटमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और इन टर्न इट अफेक्ट्स द सर्वाइवल रेट एंड द प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। तो एक तो ये बात हुई।
दूसरी क्या कहते हैं, अगर बात करें कि एपिडेमोलॉजी या उसके और क्या क्या डायबिटीज़ क्या कैसे अफेक्ट करता है, तो कई सारे कैंसर्स हैं जो कि डायबिटीज़ पेशेंट्स में उसमें इंक्रीज रिस्क होता है, जैसे कि पैनक्रियाज का कैंसर हो गया, लिवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर। तो ये कुछ कैंसर्स हैं जो अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें इनका रिस्क बढ़ा हुआ होता है। फिर एक स्टडी थी नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एग्जामिनेशन सर्वे मोर्टैलिटी स्टडी, तो उसने ये सर्वे किया, एक मेटा एनालिसिस किया, और एंड दे फाउंड के जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेथ होता है एंड दे डाई फ्रॉम द इन्फेक्शन। तो ये एक स्टडी थी। प्लस अगर हाइपरग्लाइसेमिक लेवल रहता है, इंक्रीज ब्लड शुगर रहता है, तो देर इज़ अ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ, अगर अनकंट्रोल्ड है हाइपरग्लाइसीमिया और इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो देर इज़ एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर प्रोलिफरेशन ऑल्सो। तो कैंसर पेशेंट्स में अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो कैंसर की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। तो ऐसे पेशेंट्स में डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो आप व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिंग द डायबिटीज़ इन कैंसर पेशेंट, तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज़ एंड WHO, एंड दे सजेस्टेड द क्राइटेरिया दैट इफ दीज क्राइटेरिया प्रेजेंट है देन द पेशेंट शुड बी डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़। सो द क्राइटेरिया इज़, अगर फास्टिंग ब्लड शुगर इज़ मोर देन 126 मिलीग्राम परसेंट, देन इफ़ द पोस्ट प्रैंडियल यानी कि खाना खाने के दो घंटे बाद की जो ग्लूकोज है अगर वो मोर देन 200 मिलीग्राम परसेंट है। थर्ड क्राइटेरिया है HbA1c इफ़ इट इज़ मोर देन 6.5%। सो दीज आर द थ्री क्राइटेरियाज, अगर ये फुलफिल हो रहे हैं तो देन द पेशेंट इज डायग्नोज टू बी हैविंग अ डायबिटीज़ ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट। तो ये तो दिस इज़ अबाउट द साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी एंड द हाउ टू डायग्नोज द डायबिटीज़। नाउ देर हैव बीन अ ब्रेक थ्रू इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बाय द अपकमिंग ऑफ द इम्यूनोथेरेपी एंड द टारगेटेड थेरेपी। तो पिछले एक दशक से काफ़ी बोलबाला हुआ है इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी का। तो साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी जो है वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन के लेवल पे अफेक्ट नहीं करती है, लेकिन इम्यूनोथेरेपी जो है उसमें सर्टेन ड्रग्स हैं जो कि ग्लूकोज लेवल को काफ़ी बढ़ा देती हैं। तो अगर इम्यूनोथेरेपी पे पेशेंट है तो इन पेशेंट्स में बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम लोग डायबिटीज़ का टेस्ट करें, शुगर लेवल्स चेक करें, एंड इफ देयर इज अ डायबिटीज़ डिटेक्टेड देन इट शुड बी ट्रीटेड एंड इट शुड बी कंट्रोल्ड बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट विद इम्यूनोथेरेपी। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट जो आज हमने डिस्कस किए रिगार्डिंग डायबिटीज़ एंड कैंसर, कि कैसे डायबिटीज़ अफेक्ट करती है कैंसर पेशेंट्स को, और इसी तरीके से कैसे वो अफेक्ट करती है उनकी प्रोग्नोसिस को। थैंक यू, नमस्कार।